कौन है? ये इतनी प्यारी सी कैट कहाँ से आई देखो है? मफिन के लिए, ये देखो। ये हमारे घर एक और कैट आई है, फुजैल के एक फ्रेंड देके गए, एक दो दिन के लिए आई हुई है ये। ओ बेचारी रो रही है, डिस्टर्ब हो गई है। देखो फुजैल, एली ने ऐसा हो जाना था, है ना? बिल्कुल एली ऐसी होती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सब इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है, आप सब भी बेशक कर रहे होंगे और मैं भी कर रही हूँ, कि ये जो आजकल का एक इशू क्रिएट हुआ हुआ है कोरोना वायरस का, ये ख़त्म हो जाए और स्प्रेड ना हो। तो ये एक हमारे घर बड़ी क्यूट सी कैट आई हुई थी, ये फुजैल के एक फ्रेंड ने देखे गए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया ना वीडियो में। तो ये आई हुई थी और मफिन से डर रही थी ये। तो ये अब सुबह सुबह ही वो दे गए थे और अभी मैं बस उठी हूँ, उठते ही मैंने देखा कि घर में कैट आ गई है। तो उठकर फिर मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था, ब्रेकफास्ट के बाद मैंने सोचा कि ये ना आज थोड़ा सा स्किन केयर कर लीजिए और फिर बाकी घर के काम किए जाएं। तो मैं शीट मास्क लगा लूँगी, कोरियन शीट मास्क माले के, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है ना, तो वो लगा के फिर मैंने घर के सारे काम कर लिए। और फिर जब थोड़े से कामों से फ्री हुई तो थोड़ी भूख लगने लगी थी, तो मैंने यहाँ पर फ्रूट्स कट कर लिए हैं और साथ साथ बीच बीच में से मैं स्टडीज से टाइम निकाल कर, सॉरी, अपने घर के काम से टाइम निकाल के ना मैं स्टडीज़ को भी टाइम दे रही हूँ, क्योंकि अब फिर से मेरे फाइनल्स आने वाले हैं। तो जाहिर है घर को भी मैनेज करना है और स्टडी को भी करना है, तो जैसे ही मुझे काम करते करते थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं बुक्स उठाकर बैठ जाती हूँ। और हीटर मैंने ऑन कर लिया क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही सर्दी लगती है, हालांकि अब तो वेदर चेंज हो गया है। बस यहाँ पे मैं अब खा रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ और फिर अब ये मैं आज बना रही हूँ फिश। और आज मैं आपको अपनी रेसिपी दूंगी कि मैं किस तरह से फ्राई फिश बनाती हूँ। फिश मैंने वॉश करके रख ली है, चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं। ये मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया है, वो बाउल में मैंने ये बेसन निकाल लिया है, प्लेट में सारी सीजनिंग्स निकाल ली हैं, लेमन निकाल लिए हैं, जो इसमें लेमन डालूंगी ढेर सारे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, फिश को मैरिनेट करते हैं और फिर बनाते हैं। तो अब इसका एक प्रोसेस होता है मैरिनेट करने से पहले, जो मैं करती हूँ, मेरी मम्मा करती हैं, मम्मा से ये मैंने टिप ली है, इस तरह से कभी भी फिश में से स्मेल नहीं आती है। आपने अगर किसी भी तरह की बनानी है, आपने ग्रेवी वाली बनानी है, जैसे भी बनानी है आप ऐसे बनाएं। मैंने ऑयल को गर्म कर लिया और इसमें मैंने अभी फ़िश को कुछ नहीं लगाया, सिर्फ वॉश किया हुआ है, और फ़िश को सिर्फ 30 to 40 सेकेंड के लिए फ्राई करना है। जैसे इसमें मैंने फ़िश डाली है ना, इसके आपने बस काउंट करते जाएं, आपने 15 तक काउंट करना है और फिर इसकी एक साइड चेंज कर लेनी है। ऑयल से आपने जो फ्लेम है मीडियम टू हाई रखनी है और हाई फ्लेम पे बस इसको एक तरफ से 20 सेकेंड कर लें, दूसरी तरफ से 20 सेकेंड कर लें और बस इसको निकाल लें। इसको पकाना बिल्कुल नहीं है, बेसिकली इसको सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है, जस्ट 30 to 40 सेकेंड, और बस फिश को निकालते जाना है। मैंने मेरे पास जितनी भी फिश है ना, मैं सबको इस दफ़ा एक दफ़ा ना सबको पहले इस तरह से मैं 40 सेकेंड के लिए फ्राई करती जा रही हूँ। बस आप देखें जैसे मैं डाल रही हूँ, फ़ौरन इसकी साइड चेंज करूँगी, दोनों तरफ से फ्राई करके और निकाल लूँगी। ये स्टेप करने के बाद फिर इसको मैरिनेट करना है, और इस तरह से आप इस स्टेप को बेशक आप आजमा लें, आपकी कभी भी फिश में से स्मेल नहीं आएगी। ग्रेवी वाली भी बनानी है आप ऐसे ही करें, और ये ऑयल भी ख़राब नहीं होता, ऑयल में भी कोई स्मेल नहीं आती। मैं बाद में जब फिश को मैरिनेट करने के बाद जब फ्राई करूँगी तो वो भी मैं इसी ऑयल में ही करूँगी, ठीक है? तो इस तरह से अब मैं फ़िश को फ्राई करती हूँ। और हाँ, फिश को थोड़ा सा ठंडा करना है 10 मिनट्स के लिए, और फिर इसको फ्राई मसाला लगाना है, गरम गरम पे नहीं लगाएंगे। फिश मेरी फ्राई हो गई है और उसको अब मैं बास्केट में निकाल रही हूँ, ताकि थोड़ा सा जितना एक्सेस ऑयल होगा वो भी नीचे प्लेट में आ जाए। और जितनी देर में 10 मिनट्स के लिए मैं फ़िश को ठंडा करूँगी, जितनी देर में फ़िश हो रही है ठंडी, तो मैं यहाँ पर आटा गूंद लेती हूँ जल्दी से।
तो आटा मैंने गूंद लिया है, तो चलें अब अपनी फिश की बाकी की प्रिपरेशन करते हैं। मैंने 5-6 टेबल स्पून भर के मैंने बेसन लिया, उसमें मैंने लहसुन, एक पूरा लहसुन जो है मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है, वो मैंने डाल दिया। अब सीजनिंग्स की बारी है। रेड चिली पाउडर, इसमें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला 1 टीस्पून भर के, कुटी हुई लाल मिर्चें, कसूरी मेथी, अजवाइन, हल्दी, नमक, और ये मैंने ब्लैक पेपर और मेथी दाना जो होता है ना, हाफ हाफ टी स्पून लेके उसको फ्रेश ग्राइंड किया और वो मैंने लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, आपको जितना स्पाइसी खाते हैं जैसे भी खाते हैं, ये सारी सीजनिंग्स मैंने इसमें डाल दी। और मेरे लेमन थोड़े से छोटे छोटे से हैं, तो मैं इसमें 3 लेमन ऑलमोस्ट मैं डाल दूंगी, ताकि ज़रा थोड़ा सा ना खट्टी खट्टी सी अच्छी चटपटी सी फिश बने। और ज़रा मैंने स्पाइसेस थोड़े से तेज़ रखे हैं, बिकॉज़ मुझे थोड़ी स्पाइसी फिश अच्छी लगती है। कसूरी मेथी भी डाली थी मैंने और मेथी दाना भी डाला था। तो ये आपने इस तरह से बनाएं और ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है ऐसे फिश। और अब बस मैं इसमें थोड़ा सा ये थोड़े से सीड्स गिर के जो लेमन के वो निकाल रही हूँ। अब इसको बहुत थिक थिक सा इसका बैटर बनाना है, पतला नहीं करना वरना फिश पे चिपकेगा नहीं और उतर जाएगा जब हम फ्राई करेंगे। और फिश भी ड्राई होनी चाहिए, अगर आपकी फिश पे मॉइस्चर होगा तो तभी मसाला उस पर नहीं लगता। मैंने ये थिक सा बिल्कुल मसाला बना लिया है, और अब मैं फिश के ऊपर सारा ये बैटर लगाती जाऊंगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप इस तरह से फ्राई करते हैं तो फिश बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ प्यार से उसको ना मैरिनेट आपने करना है, ताकि फिश टूटे नहीं। और इसको मैरिनेट करके आप चाहें तो फौरन ही बना लें, फौरन भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ी देर रखना तो वो तो और भी अच्छा हो जाएगा, जितना देर लगा रहेगा मसाला उतना फ्लेवर और अच्छा होगा, बट फौरन से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो मैं इधर फिश को मसाला लगा कर रखती जा रही हूँ, और फिर मैं पहले रोटियाँ बनाऊँगी और फिर मैं फिश को फ्राई करूँगी। तो यहाँ लाइट चली गई थी मैरिनेट करते करते ही, तो मैंने फिश को दो मैंने और फुजैल नहीं खाना होता, सिर्फ हम दो लोग हैं, तो मैंने ये जो बाउल में ग्रीन में है ये फिश मैं अभी बना लूँगी। और ये हाफ फिश जो है वो मैंने रख ली है मैरिनेट करके, कि मैं इसको फिर बाद में बना लूँगी, क्योंकि हम दो लोगों के लिए तो इतनी भी बहुत है ना। और अब बस मैं फिश को फ्राई कर रही हूँ, और ऑयल को गरम कर, जब ऑयल फुल गरम हो जाएगा तब फिश फ्राई करनी है, और जब एक साइड से जब तक कलर नहीं आ जाता तब तक उसको टर्न नहीं करना। एक साइड से कलर आ गया और फिर अब मैं टर्न कर रही हूँ, और देखें फिश का मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा, कितना अच्छी तरह से फिश पे लगा हुआ है। बस उसको उतार कर और इसके ऊपर से मैं इस पे चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी प्लेट में निकाल कर, और साथ में लेमन के साथ हम लोग खाएंगे। बहुत मज़े की फिश बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी से। तो बस मैंने यहाँ चाट मसाला डाल लिए, तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।